सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ गरी माई फ्रेंड ऑफ यू। तो यार, दो दिन पहले आई गॉट एडमिशन इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इन MD यूनिवर्सिटी। तो यार, अगर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाके अपना रियल जर्नी के बारे में बताऊँ कि मेरा जूलॉजी डिपार्टमेंट तक कैसे एडमिशन हुआ, तो यार जब BSc के आप लास्ट सेमेस्टर में होते हो ना, तब एक मेंटली काउंटडाउन शुरू होने लग जाता है कि भाई अब तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, पूरा सब कुछ, इतना सब कुछ कैसे हैंडल होगा, कैसे होएगा, कुछ होएगा। तो आई वॉज ऑन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई ग्रेजुएशन व्हेन आई फाउंड दिस चैनल नेम्ड अकेडमी ऑफ बायोलॉजी। तो मैं और भाई, हमारे पास पता है कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे, हमें मेरे को सिर्फ इतना पता था कि भाई 25 दिन है, 25 दिन में कुछ नहीं पता क्या पढ़े। कभी ऐसा लगता था कि सफिशिएंट रहेगा, इतना सफिशिएंट रहेगा, कितना पढ़े ना पढ़े। तो भाई मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया अकेडमी ऑफ बायोलॉजी वाले सर ने, सचिन अंतल सर ने जो बनाया था ग्रुप। तो यार, उसमें पता आपको क्या, मेरे को पर्सनली क्या लगा कि यार भाई, डेली तो आपको खुद मिलता था कि भाई आज के दिन ये पढ़ना है, आज के दिन ये पढ़ना है, पहले से प्लानर रेडी होता था और उस प्लानर के हिसाब से हमारा 2 बार तो सिलेबस पूरा हो ही गया था। और यार, 2 बार सिलेबस पूरा होता था और हर रोज़ जो मान लो हमें जो खुद ही बताते थे कि आज ये करना है, आज ये करना है। तो यार, जो दिन में काम देते थे, शाम को उसका क्विज़ हो जाता था। और यार, क्विज़ भी डेली, डेली क्विज़, हर एक टाइम पे क्विज़, और लास्ट में जाके फुल सिलेबस की क्विज़ होते थे। तो यार, हमें कई बार ऐसे प्रिपरेशन में लगता है कि हमें कोई बताने वाला हो कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वो सिर्फ है ना, ये नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं है कि क्विज ही कराते हैं या फिर लेक्चर्स ही देते हैं, वो खुद के नोट्स भी देते हैं बनाए हुए, वो खुद की अंडरलाइन की हुई NCERT भी देते हैं, वो खुद वीडियोस बना के ये भी बताते हैं कि ये पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट आएगा। और भाई, आप उनको मीन्स, मैंने तो पर्सनली भाई इसमें एडमिशन हो जाएगा मीन्स वो मोटिवेट भी कर देंगे कि हाँ हो जाएगा, इतना पढ़ लो, हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि हमें कोई बताने वाला हो कि भाई इतना पढ़ लो बहन, इतना पढ़ लो, हो जाएगा आपका। कि भाई, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज यार लास्ट तक मेरे को कोई होप नहीं था कि मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज वेरी डायरेक्शनलेस। एंड लास्ट तक आते आते तो माई मदर ऑल्सो यूज टू से दैट कि भाई ये लड़का बहुत मेहनत करा रहा है तुमको, तुम कुछ करो या ना करो, ये बहुत मेहनत करा रहा है। तो भाई, अगर कोई एक स्टूडेंट भी जो MDU लाइफ साइंस एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहता हो और इस वीडियो को देख रहा हो, तो भाई आँख बंद करके चैनल ज्वाइन कर लेना और जो बताएं उसको फॉलो कर लेना, और हम सीधा फिर डिपार्टमेंट में मिलेंगे।